नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है, माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है, पट खुल चुके हैं और इसी कड़ी में अभी हम आपके साथ मौजूद हैं पंडाल दर्शन में, जहाँ पर अभी हम फिलहाल मौजूद हैं रांची के सर्कुलर रोड में, यहाँ पर वर्धमान कंपाउंड में हरिमती मंदिर में, जहाँ की कई सालों से आज हर 1935 से यहाँ पर हर साल माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वही जो पुरानी मंदिर, जो कहते हैं कि बंगाली जो छवि होती है उसके साथ जो ये मंदिर की मूर्ति है दुर्गा माँ की, वो काफ़ी देखने लायक है। इस साल जो इस हरिमती मंदिर के अध्यक्ष हैं, जो कि जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, तो सर इस बार आप इस के प्रेसिडेंट हैं हरिमती मंदिर के और इससे शामिल हुए हैं, तो दुर्गा पूजा में किस तरीके से इस बार आयोजन हो रहा है, क्या कुछ सोच करके यहाँ पर इस साल किया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा? देखिए, ये हम लोगों का गौरवमय 86वां वर्ष है, बहुत प्राचीन पूजा है ये। और इस पूजा का जो विशेषता है वो है कि जो पूर्ण विधि विधान से और जो पारंपरिक ढंग से बंगला समाज में जिस तरह से माँ पूजी जाती है उसी प्रकार से हम लोग पूजा करते हैं। बाह्य आडंबर का यहाँ कोई स्थान नहीं है, पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा तर्पण सब कुछ होता है और यही हमारी परंपरा है। और ये तो हम लोगों के लिए माँ का आशीर्वाद है कि माँ के सेवा के लिए हम लोगों को नियुक्त किया गया। हरिमती मंदिर का सर बात करें तो ये पारंपरिक जो तरीका हमेशा से चला आ रहा है उसके लिए भी जाना जाता है, तो इसको किस इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए मूर्ति को लेकर के और यहाँ जिस विधि विधान से पूजा होती है। नहीं देखिए, हम लोगों के बंगला संस्कृति का जो परंपरा है उसमें माँ का एक चाल का मूर्ति होता है, मतलब सभी मूर्तियाँ एक चाला के अंदर में ही रहती है, माँ के साथ भरा पूरा संसार रहता है, उनकी दो बेटियाँ दो बेटे उनके साथ आते हैं जो अपने पिताजी के घर आते हैं। यहाँ पर जैसे सही अभी हमने बात किया सुप्रियो जी से, उन्होंने कहा कि वो भी 1935 से तो यहाँ पर हर साल मूर्ति जो है उसकी स्थापना की ही जा रही है, साथ ही में यहाँ पर जेएमएम के अध्यक्ष हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, वो भी यहाँ पर लगभग 40 सालों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस संस्था से, और इस बार वो अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने, क्योंकि वो खुद सरकार में है तो उन्होंने सारी चीज़ें जैसे बताई कि सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि दूरी हो और 50 से ज़्यादा भक्त यहाँ पर जमावड़ा ना लगाएं। और ख़ास करके अगर आप अभी मंदिर को देखें, मूर्ति की बात करें, तो मूर्ति में बिल्कुल आपको वो जो छवि है पारंपरिक बंगाली छवि जो हम देखते हैं वो यहाँ पर दिखेगी उनके आभूषण में, उनके कपड़ों में। और एक साल में जो सारी मूर्तियाँ एक साथ यहाँ पर बनाई जाती है वो भी आपको देख सकते हैं, और दुर्गा माँ का जो चेहरा है वो काफ़ी शोभनीय है, वो देखने लायक है। और उम्मीद करते हैं कि नवरात्र शुरू हो चुके हैं और लोग यहाँ पर धीरे धीरे जमा भी हो रहे हैं माँ के दर्शन के लिए। तो अभी हमने पूजा की बात की कि पारंपरिक यहाँ पर पूजा होती है, बहुत सालों से चली आ रही है, तो इसी को लेकर यहाँ पर जो पंडित हैं जो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं दुर्गा माँ की, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए सर कि किस तरीके से यहाँ पर पूजा हो रही है, नवरात्र शुरू हो चुके हैं? नहीं, पहले हुआ आज सुबह हो गया, सुबह षष्ठी कल प्रारंभ हो गया, लेकिन अभी होगा बोधन आमंत्रण और अधिवास, होने के बाद कल नवपति का प्रवेश स्थापन भी होगा, सप्तमी पूजा होगा, कल 7:30 बजे से शुरू हो गया हो जाएगा, फिर संगारती होगा, प्रसाद वितरण होगा, फिर अष्टमी का दिन, अष्टमी के संधि पूजा होगा, रात 11:49 में बलिदान होगा, नवमी बलिदान का पहले पूजा आरती होगा, नवमी का दिन कुमारी पूजा होगा, अष्टमी के दिन सुबह 9 बजे कुमारी पूजा होगा, फिर नवमी का दिन होगा विसर्जन, होने का बाद सब महिला लोग आएगा के सिंदूर खेला। विजयदशमी में जो है यहाँ पर सिंदूर खेला के साथ, जैसा हम जानते हैं कि जो बंगाली रीति रिवाज है, तो यहाँ पर सिंदूर खेला के साथ विजयदशमी में यहाँ पर जो माँ को विदाई दी गई, फिलहाल अभी तो माँ आई हैं, उनका स्वागत हो रहा है, पट खुले हैं और जो लोग हैं अब उनके दर्शन के लिए अब जुट रहे हैं, और सारी जैसे क्या कहा रूल्स रेगुलेशन और काफ़ी दूरी के साथ नंबर ऑफ जो भक्त हैं 50 से ज़्यादा नहीं, उनको ख्याल रखते हुए सैनिटाइजेशन और मास्क का ख्याल रखते हुए भी यहाँ पर जो नवरात्र है, जो दुर्गा माँ का आगमन है वो हो चुका है।